हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है वाटर साइकिल के ऊपर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल क्या होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और एंड करेंगे वीडियो एक शॉर्ट कॉन्क्लूजन के साथ। सो सबसे पहले वाटर साइकिल क्या होती है। इट इज़ अ जर्नी डैट वाटर टेक्स अराउंड द अर्थ। तो वाटर की फुल जर्नी के बारे वाटर की फुल जर्नी को ही वाटर साइकिल कहते हैं, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो सबसे पहली स्टेज होती है हमारी इवेपोरेशन। जब सूरज वाटर के ऊपर चमकता है तो वो वाटर को गर्म कर देता है, और वो वाटर जो है वेपर्स में टर्न हो जाते हैं या स्टीम्स में, मतलब आप देखते हो भाप जिसे हम कहते हैं। एंड वाटर गोज अप इन टू द स्काई एज अ इनविजिबल गैस। और आप देखोगे वो एक तरह की भाप उड़ने लगती है, जो एक्चुअली हमें दिखती नहीं, पर हमें पता लगता है कि भाप हो रही है। ये फर्स्ट स्टेज है। द सेकेंड स्टेज इज कंडेंसेशन। तो जब भी वो गर्म पानी जिसे हम वेपर कहते हैं आसमान में पहुंचता है, वो वहां जाके ठंडा हो जाता है, और फिर वापस एक टाइनी ड्रॉपलेट्स में ये टर्न हो जाता है। और ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और क्लाउड्स बनाते हैं, यानी बादल बनाते हैं। देन देयर इज प्रेसिपिटेशन। तो जब बादल बनते हैं तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं, उनमें वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो वापस ग्राउंड पे आते हैं एज ए रेन, स्नो, स्लीट और हेल, या बारिश, बर्फ, या जिसे हम वो कहते हैं ओले, इनकी फॉर्म में वो वापस आते हैं। रेन ड्रॉप्स जो है वो ग्रास एंड फ्लावर्स को ग्रो करती है, स्नोफ्लेक्स जो एक ब्यूटीफुल विंटर वंडरलैंड बना देते हैं। द अदर इज कलेक्शन। जब वापस पानी ग्राउंड में आता है तो वो किसी लेक्स, रिवर, ओशंस में कलेक्ट होता है, कुछ ग्राउंड उसको सोख लेता है, और फिर वो ग्राउंड वाटर बनता है। जब बहुत ज़्यादा पानी ग्राउंड में हो जाता है तो वो डाउन हिल्स में फ्लो होने लगता है, स्टीम्स, रिवर्स ये बनती हैं, और वाटर इवेंचुअली रिटर्न हो जाता है ओशन में, और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर जो है वो बहुत एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, या किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए जो अर्थ पे हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हैं, एनिमल्स हैं या लोग हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम उन वाटर को कंजर्व करें और उसको वाइजली यूज़ करें, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। वाटर साइकिल, जैसे अभी हमने बताया, बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस है, जिससे जो अर्थ का वाटर सप्लाई है कॉन्स्टेंटली मूविंग, मतलब चल रहा है, रुकता नहीं है। कि सबसे पहले ओशियन से पानी इवेपोरेट होता है, देन वो वहाँ पे कंडेंस होता है, फिर पैरिसिपेट होकर वापस आता है, फिर अर्थ पे इकट्ठा होता है, फिर ओशियन में जाता है, और ये वाटर साइकिल जो है आपकी चलती ही जाती है। अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर साइकिल की बात करें तो वाटर साइकिल बहुत ही एसेंशियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये इंश्योर करती है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो ड्रिंकिंग के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, या इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए ही क्यों ना हो। वाटर साइकिल बहुत की फैक्टर है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो वाटर एट द एंड हम कहें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए। तो वाटर बहुत क्रूशियल है अर्थ के सरफेस को शेप करने के लिए, चाहे वो सॉइल इरोजन के तरह हो, मतलब इरोजन हो, या फिर सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन हो। और कॉन्टिन्यूस मूवमेंट जो वाटर की इंश्योर करती है कि ना तो कभी कहीं ज़्यादा होगा, ना तो कहीं कभी कमी होगी ओवर द लॉन्ग टर्म। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। तो वाटर साइकिल एक फंडामेंटल और इंटीग्रेट नेचुरल प्रोसेस है, जो लाइफ की सस्टेंस के लिए सो लेट अस कंक्लूड विस दिस वीडियो विद अ शॉर्ट कंक्लूजन। तो वाटर साइकिल जो एक फंडामेंटल इंटीग्रेट नेचुरल प्रोसेस है, जो इनडिस्पेंसिबल है लाइफ के लिए, और डेलिकेट बैलेंस बनाता है हमारे प्लानट के इकोसिस्टम के लिए। फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ द वाटर ओशियन से, लैंड सर्वेस से क्लाउड्स का बनना, प्रेसिपिटेशन होना, और फिर सब्सिक्वेंट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर्स, लेक्स या अंडरग्राउंड वाटर, जो हर स्टेज है वाटर साइकिल की, वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इन्वायरमेंट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और बहुत ज़रूरी है कि हम वाटर को कंजर्व करें और इस वाटर साइकिल को बैलेंस रखें और कीप मूविंग रखें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।